अब आपको प्रॉब्लम कब आएगी, जब मान लीजिए आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो से आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। अब बात आया मोनेटाइजेशन का, आप जब मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को रिव्यू में भेजते हैं, जब यूट्यूब के पास आपका चैनल जाता है, वहाँ पर यूट्यूब आपके चैनल को सर्च करता है, देखता है, वहाँ पे देखता है कि जो आपने वीडियो डाला है वो आपका खुद का वीडियो ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आपको खुद इतने सारे जो है ऑप्शंस देता है जिससे कि आप जो है आसानी से यहाँ पे म्यूजिक ले सकते हैं, और यहाँ पे हर कैटेगरी का म्यूजिक मिलता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने वीडियोज में म्यूजिक का इस्तेमाल करते होंगे, छोटी म्यूजिक, बड़ी म्यूजिक, जैसे भी म्यूजिक का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन करते जरूर होंगे। अब होता क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना, तो हमें पता नहीं होता है कि हमें किस म्यूजिक का इस्तेमाल करना है और किस म्यूजिक का नहीं करना है। ऐसे में कोई कोई क्या करते हैं कि कॉपीराइटेड म्यूजिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद में जब चैनल मोनेटाइज होने का टाइम आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, चैनल मोनेटाइज होता ही नहीं, तो पूरी की पूरी मेहनत जो है सो बर्बाद हो जाती है। तो आज ये देखिए भाई साहब मिलने आए हुए हैं, जिनका चैनल है निशांत यादव कॉमेडी, ठीक है। अब इनका जो ये चैनल है, ये चैनल देख सकते हैं कब बना है, 2022 में ही इनका चैनल बना हुआ है, और काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 160 वीडियो जो है सो अपलोड कर दिए हैं, कुछ वीडियो पर व्यूज भी गए हैं। तब इनका सवाल ये है कि सर, हम जो कॉपीराइटेड कॉमेडी का टोन होता है, जो म्यूजिक होता है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे हमारे चैनल में प्रॉब्लम आ सकती है? और ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से जो भी लोग अपने वीडियोस में म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमारा चैनल मोनेटाइज तो होगा ना, ऐसी ऐसी जो है सो दिक्कतें, ऐसा ऐसा सवाल जो है सो दिमाग में चलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपके वीडियोज पे कॉपीराइट क्लेम आता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा, चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका चैनल है, अब मैं यहाँ पे जो है सो क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ इनके चैनल का, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक दिन पहले इन्होंने वीडियो डाला है, लिखा हुआ है कॉपीराइट, ठीक है। अब ये कॉपीराइट काफी सारे चीजों के कारण आ सकता है, म्यूजिक के कारण आ सकता है, कोई वीडियो अगर आपने दूसरों का अपलोड किया तो वो आ सकता है, कोई गलत म्यूजिक आपने बिना किसी के परमिशन के यूज कर लिया तो उसमें आ सकता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है कॉपीराइट क्लेम और एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। पहले आता है कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। अब कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि अगर आपने किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल कर लिया तो उसको रेवेन्यू चला जाता है, लेकिन उसको क्रेडिट भी देना जरूरी है वीडियो में। जैसे आप देखते हैं लिखा हुआ होता है कॉपीराइट अंडर सेक्शन इतना इतना इतना, ये म्यूजिक जो है उनके द्वारा लिया गया, ठीक है, तब वो जो है वीडियो पे स्ट्राइक नहीं दे पाते हैं, वीडियो को डाउन नहीं कर पाते। अगर आपने बिना उनके परमिशन के म्यूजिक भी ले लिया और क्रेडिट भी नहीं दिया, उनको बिना बताए भी म्यूजिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम भी आपने नहीं मेंशन किया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यूट्यूब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक उनके द्वारा भेज सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपका वीडियो वायरल हो गया, ऐसे तो नहीं आता है कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम, लेकिन अगर वीडियो वायरल हो गया, क्लेम तो ऑटोमेटिक आता है, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, अगर म्यूजिक होगा, अगर किसी और की वीडियो होगी तो कॉपीराइट क्लेम आपको आ जाएगा जी। लेकिन अगर आप जो है सो समय रहते उस चीज को नहीं ध्यान देते, अगर वीडियो मान लीजिए वायरल हो गई और उस आदमी तक पहुंच गई जिस आदमी का वो ओरिजिनल म्यूजिक है, तो वो क्या करेगा कि उधर से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, कहेगा यूट्यूब से कि ये जो है मेरा म्यूजिक है जो कि बिना मेरे परमिशन के इस्तेमाल किया गया है, तो वो वीडियो क्या किया जाएगा, डाउन कर दिया जाएगा, वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर अब आप सोचे हैं कि ये क्या हो गया भाई, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या होता है कि बहुत लोगों को स्ट्राइक भी नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिन्होंने चैनल बनाया होगा, वीडियोज भी अपलोड करते होंगे, कॉपीराइट क्लेम आता होगा, तो आप सोचते होंगे कि नॉर्मल चीजें हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ रहा है इसका मतलब है कि आपके वीडियोस में आपने किसी न किसी का म्यूजिक, किसी न किसी का फोटो, किसी न किसी का वीडियो बिना पूछे आपने इस्तेमाल किया है। अब आपको प्रॉब्लम कब आएगी, जब मान लीजिए आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई और उस वीडियो से आपके 4000 घंटे पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। अब बात आया मोनेटाइजेशन का, आप जब मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को रिव्यू में भेजते हैं, जब यूट्यूब के पास आपका चैनल जाता है, वहाँ पर यूट्यूब आपके चैनल को सर्च करता है, देखता है, वहाँ पे देखता है कि जो आपने वीडियो डाला है वो आपका खुद का वीडियो ही नहीं है, वो किसी और का वीडियो, किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल किया गया बिना पूछे, तो वहाँ पे रीयूज और रिपीटेटिव कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, और ये काफ़ी लोगों को आ रहा है। अभी तो सबसे ज़्यादा मतलब केसेस आ रहे हैं
मेरे पास जो भी सब्सक्राइबर आते हैं, सर रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया, चैनल मोनेटाइज तो हो गया था लेकिन फिर रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया, चैनल डीमोनेटाइज हो गया। ठीक है, तो दो तरीके हैं। अभी तक मैं प्रॉब्लम बता रहा था, अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कि पहली चीज़ है कि आप किसी का भी अगर यूज़ कर रहे हैं कॉपीराइटेड वीडियो ऑडियो, तो या तो उसको क्रेडिट दीजिए, ठीक है, और एक लिमिट होता है। 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो आप एक मिनट तक, आधा मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि पूरा का पूरा आप उसका वीडियो ही यूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसका तरीका होता है। अगर आप बिना पूछे कर रहे हैं तो आपको कॉपीराइट पहले क्लेम आएगा, बाद में जब आप रिव्यू में डालिएगा चैनल तो आपको स्ट्राइक भी आ सकता है, रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। अब आपको करना क्या है, पहली बात की कोशिश करें कि किसी और का म्यूजिक, किसी और का कंटेंट ना ही यूज़ करना पड़े तो अच्छा है। ठीक है, आप खुद का यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको म्यूजिक लेना है तो नॉन कॉपीराइट लीजिए, अगर आपको वीडियो लेना है तो नॉन कॉपीराइट वीडियो लीजिए। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे सर जो म्यूजिक ढूंढते हैं, जो वीडियो ढूंढते हैं वो नॉन कॉपीराइट मिलता ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आप कुछ कुछ कॉपीराइटेड कर सकते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट देना भी जरूरी है। अगर आप क्रेडिट देके करेंगे तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। जो होता है वो डिस्क्लेमर में डिस्क्लेमर होता है जो 90 लिखा होता है ना अंडर कॉपीराइट अंडर सेक्शन 97 जो भी, एक कॉपीराइट एक डिस्क्लेमर डाउनलोड कर लीजिएगा तो नाम चेंज करके वो अलग अलग लोगों के लगा सकते हैं, जिसका जिसका म्यूजिक हो, जिसका जिसका वीडियो हो। ठीक है, अब आप अब आपको बताते हैं कि यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाते हैं, आपको ढूंढने नहीं आता है, वो एक अलग चीज है। देखिए हम आपको बताते हैं, जितने भी लोगों को नहीं पता है, आपको क्रोम से जो है ये चीजें डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम में सबसे पहले आपको सर्च करना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, क्योंकि यूट्यूब आपको खुद इतने सारे जो है ऑप्शंस देता है जिससे कि आप जो है आसानी से यहाँ पे म्यूजिक ले सकते हैं, और यहाँ पे हर कैटेगरी का म्यूजिक मिलता है। देखिए लिखा हुआ है ऑडियो लाइब्रेरी फ्री म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक फॉर कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, दो ऑप्शन से यहाँ पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप जिसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक में आपको सर्च करना है कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं या कॉमेडी से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं, आखिर आप किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं म्यूजिक। देखिए ये जितने भी म्यूजिक हैं ये सारे नॉन कॉपीराइट, जितने भी वीडियोज हैं ये सारे नॉन कॉपीराइटेड है, क्योंकि ये यूट्यूब के थ्रू आपके दिए जा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करके इन म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कॉमेडी से रिलेटेड चैनल है, तो यहाँ पे आप लिखिए कॉमेडी नॉन कॉपीराइट यूट्यूब म्यूजिक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया कॉमेडी नॉन कॉपीराइट, ठीक है, आ गया ना कॉमेडी नॉन कॉपीराइट यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड म्यूजिक मिलेगा, जितना भी मिलेगा सारा कॉमेडी से रिलेटेड, जो नो कॉपीराइट होगा, जितना भी लिखा हुआ होगा सारा नो कॉपीराइट होगा सारे सर। जो भी आप देखिए सर, फनी म्यूजिक नो कॉपीराइट यूट्यूब का ही है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फनी सारे म्यूजिक मिलेंगे जो कि नॉन कॉपीराइटेड है। आपका अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सर्च किया तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नॉन कॉपीराइटेड मिलेगा। अगर आपका टेक है तो टेक से रिलेटेड अगर ढूंढिएगा तो उससे मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से सारा चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए। और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप में से जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ में ना फंसे, क्योंकि देखिए अगर स्ट्राइक नहीं आ रहा है, अगर क्लेम आ रहा है तो क्लेम में भी आप आगे जाके फंस जाएंगे। जैसे कि जब आप रिव्यू में चैनल को डालेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब कहेगा कि नहीं आपने दूसरे का म्यूजिक यूज़ किया है, दूसरे का वीडियो यूज़ किया है, तो आप प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले से उस चीज़ को सही कर लीजिए, पहले से उससे सतर्क रहिए ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, हाँ, बाकी और आपका कोई सवाल है तो पूछिए। सर जैसे हमको कोई भी वीडियो डालते हैं उसका हैशटैग या ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, कैसे है, जो भी डालें सर्च बार में हमारा वीडियो भी आए और वीडियो देखिए वीडियो वायरल होने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, दो जगह से जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, आप जैसे पूछ रहे हैं क्या टैग डाले, क्या टाइटल डाले, क्या डिस्क्रिप्शन डाले, तो दो जगह से आप कर सकते हैं। पहला तो आप गूगल से सर्च करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गूगल का ही यूट्यूब जो है गूगल का ही पार्ट है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आता है YT टूल, ठीक है, वो एप्लीकेशन हम आपको दिखा देते हैं। उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
आप लोग भी यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है YT टूल, यहाँ पे आपको क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या चीज़ें सर्च में ज़्यादा जा रही हैं, वहाँ से आप जो है इनके कीवर्ड्स को पता कर सकते हैं। देखिए ये वो एप्लीकेशन है YT टूल ग्रो योर YouTube चैनल, ठीक है। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनेज टैग्स का, मैनेज टैग एंड सेव नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक्सप्लोर ट्रेंडिंग वीडियोज, जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही हैं उनका क्या टैग डाला हुआ है, क्या डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, एक्सट्रैक्ट टैग एंड कॉपी कर सकते हैं, किसी वीडियो का अगर टैग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सर ये बताइए, जैसे हमको कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको सही तरीके से अपलोड करना है, क्रोम से सही है होता है कि यूट्यूब से? देखिए हम आपको बताते हैं, आप यूट्यूब ऐप से अपलोड भले ही कर सकते हैं लेकिन जितना भी उसका प्रॉपर ढंग से टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग होता है वो क्रोम से ही होगा, वो आपको क्रोम से ही करना पड़ेगा, विदाउट क्रोम होगा नहीं। जैसे ये एप्लीकेशन के बारे में YT से भी तो होता है ना? हाँ YT से भी होता है लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ही तो डाल पाएंगे ना, बाकी और सारी चीजें आप कैसे करेंगे, जैसे इंड स्क्रीन है, कैप्शन है, बाकी और भी चीजें हैं, कार्ड्स हैं, वो आप कैसे लगा पाएंगे? वो तो अभी हम मोनेटाइज है नहीं है सर? नहीं मोनेटाइज नहीं भी होगा फिर भी आप कार्ड लगा सकते हैं, कार्ड और इंड स्क्रीन का तो ऑप्शन मिलता ही है। सर वो नहीं समझ आ रहा है क्या? वो क्या होता है कि जैसे आपका वीडियो खत्म हुआ तो लास्ट में वीडियो शो होता है ना, उसको कहते हैं इंड स्क्रीन, वहाँ पे आपकी वीडियो शो होगी। कार्ड्स में क्या होता है, वीडियो चल रही है 2 मिनट के बाद ऊपर में एक कार्ड खुल के आया, उसमें आपकी वीडियो होगी जी। तो वो चीजें होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है YT टूल में, यहाँ पे आप अपने वीडियो का लिंक डालेंगे तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं टैग को, जो भी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है यहाँ से देखिए एक्सट्रैक्ट टैग है, कीवर्ड सजेशन है, अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे कॉमेडी तो यहाँ पे आपको काफी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, कॉमेडी वीडियो, कॉमेडी मूवी, कॉमेडी सीन, कॉमेडी तमिल, इस तरीके के कीवर्ड यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके अपने वीडियो में डाल सकते हैं, ठीक है। सर किसी को अगर मेंशन कर रहे हैं तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं? मेंशन तब किया जाता है ना जब वो आपके वीडियो में हो या आपसे कनेक्टेड हो आपके वीडियो में, आप ऐसे ही आप मेंशन कीजिएगा तो हमारे कैटेगरी का जैसे वीडियो के वो भी हाँ, आपके तरीके आपके कैटेगरी के तो आप कर सकते हैं कॉमेडी कैटेगरी। अब ये नहीं कि आप कॉमेडी के हैं और आप दूसरे को कर रहे हैं तो वो चीज नहीं। वही सर पूछ रहे थे, जैसे हमारे हम कॉमेडी बनाते हैं, मेरा भी दोस्त है जैसे और लोग हैं कॉमेडी बनाते हैं तो उनको हम मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाकी आप काम करिए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, म्यूजिक यूज कर लेते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। और बाकी इनका चैनल जो है, इनके चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, थोड़ा इनके चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।